जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका भजन नाम जब ध्यान ठीक चल रहा है, आपकी भक्ति साधना ठीक चल रही है, तो ये 10 लक्षण प्रकट होने चाहिए आप में। तो पहला है, कोई कितना भी गुस्सा दिलाए किंतु आपको गुस्सा ना आए तो समझना अब आपकी भक्ति सिद्ध हो रही है, परमार्थ पथ सही जा रहा है। कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, बेमतलब गुस्सा करेंगे, आपको भला बुरा बोलेंगे, लेकिन इन परिस्थिति में आप क्रोध नहीं करते तो आपका भगवत पद सफल हो रहा होता है। दूसरा है वैराग्य, वस्तु के उपस्थिति में भी वस्तु की भोगने की लालसा, इच्छा ना होना, मोह पे काबू पाना, यही वैराग्य है। तीसरा है जितेंद्रियता, आपकी कोई भी इंद्रिया आपको परास्त नहीं करती, वो स्थिति जितेंद्रियता कहलाती है। कुछ सुन के, देख के, सुंघ के, चख के भी मन शांत है तो वही जितेंद्रियता है। चौथा है क्षमा करना, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे तो उसे तत्काल क्षमा कर दे, उसे दंड देने की भावना ना रखे। पांचवा है दया की भावना, सब पर दया की भावना रखे। छठवा है सर्वप्रियता, आपके ऐसे आचरण होने चाहिए कि सब आपको प्यार करे। सातवा है निर्लोभता, किसी से कुछ लेने की भावना ना रखे। आठवा है दानशीलता, मन से किसी दूसरे को कुछ देने की भावना होनी चाहिए। नौवा है निर्भयता, किसी से कोई भय ना हो, एकदम निडर हर परिस्थिति में होना चाहिए। दसवा है निशोक, कभी किसी की परिस्थिति में शोक की भावना का ना आना। अगर ये 10 लक्षण जागृत हो रहे हैं तो आपकी भक्ति का मार्ग बिल्कुल ठीक है, पुष्ट है। तो ये 10 लक्षण कुछ इस प्रकार के हैं, अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्व, क्षमा, दया, सर्वजन प्रियत्वम, निर्लोभ, दानम, भय, शोक हनम, यही ध्यानस्य चिन्हम 10 लक्षणम। तो इस प्रकार से देखिए, परखिए, अगर ये 10 लक्षण है तो उसे मिटने ना दे, और अगर नहीं है तो भक्ति की ओर और ज़्यादा अग्रसर होइए और परीक्षण करे कि कहाँ कमी रह गई। हरि कृष्णा। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।